दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने प्रेसवार्ता कर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हिमाचल प्रदेश में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी AICC ने सौंपी है। आज की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, किस प्रकार संगठन के साथ मतदाताओं के बीच जाना है, किन किन मुद्दों को लेकर जाना है, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। आगे CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में 50% सुविधा को खत्म किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, वैसे ही रेल बंद कर दिए गए हैं, 1000 ट्रेनें पहले ही बंद है, अब जो सुविधाएं मिल रही थी वो भी बंद है। टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट के दाम दोनों में बढ़ोतरी हो गई है। रेल अब निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, लोगों को अब सस्ता यात्रा सुलभ नहीं होगा। वहीं विधायक कृष्ण कुमार बघी के बयान पर CM बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी 10 ग्राम गांजा को ढूंढने के लिए पूरा मुंबई घूम रही है। उनके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि गांजा पीना चाहिए। CM बघेल ने आगे कहा कि सबसे पहले तो गांजा प्रतिबंधित है, नशा किसी प्रकार का हो अच्छी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जो सभी AICC को जिम्मेदारी दी है वो सारे चेयरमैन उपस्थित थे, PCC चीफ, CLP लीडर और तमाम सब नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। और आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत ही गंभीर मंत्रणा हुई। पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार है वो 10 ग्राम गांजा पकड़ने के लिए पूरे बॉम्बे में घूम रही है उसकी एजेंसी, और उनके एक वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि गांजा पीना चाहिए, तो गांजा तो पहले प्रतिबंधित है और पहले गांजा खुलवाने की बात कर ले, अपने सरकार केंद्र सरकार से मांग कर ले, लेकिन नशा किसी प्रकार का हो वो अच्छी बात कही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।